बेड और ट्रेन के नीचे बैठना बहुत ही गर्मी के दिनों में राहत मिलती है। और शहर का एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे कोई भी लोग थके रहते हैं, पत्रकार हो चाहे जो लोग भी, यहाँ पे आकर के बैठते हैं और इसे राहत। सभी जो पत्रकार हैं वो यहीं बैठते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ग्रीन साइड। इस वक्त हम पटना के बीरचंद पटेल मार्ग पर हैं और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये देखिए, ये पटना बीरचंद पटेल मार्ग का सबसे पुराना बरगद का पेड़ है और ये बरगद का पेड़ इन दिनों काफ़ी पत्रकारों के लिए मायने रखने लगा है। दरअसल पत्रकार जो लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है लेकिन काम तो उन्हें करना है, और लोग जो हैं इसी बरगद पेड़ के छाँव के तले दिन भर रुकते हैं और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। जितने भी लोग आप देख रहे हैं बैठे हुए लोग, वो पत्रकार ही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंदन जी से। कुंदन जी, पेड़ की छांव में रहना और काम भी करना, अनुभव बताइए, लोगों के लिए कितना मायने रखता है? देखिए ये बरगद का जो पेड़ है, वो यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं इस मोहल्ला का, कहते हैं कि 50-60 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है। बीरचंद पटेल पथ में कई बरगद के पेड़ हैं लेकिन सबसे पुराना पेड़ है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर गर्मियों में काफ़ी राहत देता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से शाम तक बैठते हैं, जब तक धूप रहता है छांव में बैठते हैं, और कहीं ना कहीं चूँकि चारों तरफ ओपन है, खुला हुआ है, तो यहाँ हवा भी अच्छा लगता है, छांव में बैठते हैं। कई फुटपाथी दुकानदार भी यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये पेड़ पुराना है। और जिस तरफ हम लोग प्रकृति के गोद में बैठने का अगर आनंद लेना हो बीरचंद पटेल पथ में, तो यहाँ पर आकर के हम लोग बैठते हैं और प्रकृति का भी आनंद लेते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वैसे भी पटना में इन दिनों पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी कम हो गया है। हाँ, निश्चित तौर पर क्योंकि लॉकडाउन है तो पॉल्यूशन कम हुआ है। जब पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ज़्यादा रहता है, गर्मी भी ज़्यादा रहती है, फिर भी अब बरगद का पेड़ का छांव के पास अगर आप बैठिएगा तो कहीं ना कहीं ठंड का एहसास होता है, और इसीलिए बीरचंद पटेल पथ के इस जगह पे ज़्यादातर लोग आकर के बैठना पसंद करते हैं। आखिरी सवाल है कुंदन जी कि देखा जाता है कि आप फील्ड वर्क ही करते हैं, कोरोना काल है, काम तो करना है, फील्ड वर्क करते हैं, जब भी वक्त मिलता है यहीं पर आके आप लोग बैठते हैं? निश्चित तौर पर इतना दूर में, हम आपको बता दें कि जब ये बीरचंद पटेल पथ जिस समय में पूरी तरह से बना नहीं था, तो इस पथ में अगर हम कहें तो हजारों पेड़ थे। पथ का चौड़ीकरण हुआ, तो अगर हम बात करें तो 2014-15 में यहाँ इस पथ में सैकड़ों पेड़ को काट दिया गया, और जो बचे हुए पेड़ हैं, पुराने जो पेड़ हैं बचे हुए बरगद के, कहीं ना कहीं वो छांव दे रहा है और लोग यहाँ बैठना पसंद करते। तो हम लोग भी चूँकि लॉकडाउन है, खाली समय जब भी होता है न्यूज़ करके निकलते हैं, आते हैं तो यहीं बैठना पसंद करते हैं, यहीं सब लोग बैठते हैं। न्यूज़ करके आते हैं तो यहीं पर बैठना पसंद करते हैं। दरअसल देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय भी पास में ही मौजूद है और तमाम जो बिहार के पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर हैं इसी बीरचंद पटेल मार्ग में स्थित है। और सबसे ज़्यादा खबर जो है यहीं से निकलती है, लेकिन हालांकि लॉकडाउन है, पॉलिटिकल पार्टियाँ बंद है, और जो जर्नलिस्ट हैं पटना के वो आमतौर पर इसी बरगद पेड़ के नीचे बैठते हैं। ये देखिए, कहा जाता है कि ये बीरचंद पटेल का सबसे पुराना बरगद का पेड़ है, और चूँकि पुराना है और विशाल है, देख सकते हैं कि इसकी शाखाएं देखिए कितनी चौड़ी है, पूरा स्क्रीन जो है इस बरगद पेड़ के शाखाओं से भर चुका है। देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं बैठे हुए शख्स सभी पत्रकार हैं। एक और जर्नलिस्ट से हम बात करेंगे, गौतम जी हैं। गौतम जी, कोरोना काल है, काम तो हम सबों को करना है, जब भी वक्त मिलता है इसी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाते हैं, ऑक्सीजन बहुत राहत, ऑक्सीजन हरासमेंट दूर हो जाता है यहाँ पे। देखिए पटना में तो थोड़ा सा ये दिक्कत है कि हरा भरा माहौल और जो कहा जाता है कि थोड़ी हरियाली देखने को कम मिलती है ना, कंक्रीट और जो बिल्डिंग का जंगल कहा जा सकता है पटना हो गया। ट्रैफिक अगर लॉकडाउन नहीं रहे तो पटना के सड़कों पर खड़ा रह पाना भी मुश्किल है। मगर ये एक ऐसा जगह है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का भी दफ्तर है, हमें हमारे दोस्तों का साथ भी यहाँ मिल जाता है। रिलैक्सेशन को लेकर अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली है, और ये जो पेड़ बरगद का है ये आप खुद ही देखिए कितना फैला हुआ है, विस्तृत रूप से फैला हुआ है। छांव जो इसकी होती है, यहाँ पर बैठने वक्त सुकून मिलता है, ऑक्सीजन जो है, जो कहा जाता है कि दिन में जो ऑक्सीजन पेड़ छोड़ती है, यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन हमें जो है ग्रहण करने का मौका मिलता है। हरासमेंट जो है
दूर हो जाती है और पूरा मन जो होता है फ्रेश हो जाता है, काम करने का जो एक आनंद होता है यहाँ आने के बाद और ज़्यादा अच्छा। देखा जा रहा है कि इस कोरोना काल के दूसरे लहर में जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, लोगों में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर जागरूकता आ रहा है। हमने कई नर्सरी प्लांट जो बेचते हैं, नर्सरी ऑक्सीजन प्लांट, उनसे बात की, उनको कह रहे हैं कि लोग जो है लॉकडाउन में भी खरीदारी कर रहे हैं इंडोर आउटडोर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर भी इस कोरोना ने हमें सिखाया है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसका कहीं ना कहीं पेड़ पौधा हमें लगाना चाहिए जितना हो सके। क्या मैसेज देंगे लोग? शुरू से ये था, हम लोग जिस तरह से रफ्तार जो हमने विकास की पकड़ी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ गलती हुई हमसे कि हमने बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ को काट दिया, सड़क बनाने के लिए पेड़ को काट दिया। तो इन तमाम चीज़ों की गलतियां जो हैं लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है और इस गलतियों से लोग अब सीख भी रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी हुई और इस दूसरे जो लहर में जो कोरोना की जो क्राइसिस जो हम लोग को देखने पड़ा, ऑक्सीजन को लेकर जो जिस तरह से दिक्कत हुई, ऑक्सीजन को लेकर किस तरह से लोग परेशान हुए, लोगों की जाने गए, उन तमाम चीज़ों में सरकार ने भी अपने एक तरह से जो कहा जाए कि हाथ लगभग खड़े कर दिए थे। बहुत मुश्किलों से बहुत जुगाड़ के साथ ये व्यवस्था बनाई गई ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने के लिए, हॉस्पिटलों में लोगों की जो जान गए, बहुत ज़्यादा महंगे कीमतों पर ऑक्सीजन को खरीदने की जो है लोगों ने अपने कई तरह के जो है सामान को गिरवी रखा बेचा, हमने बहुत डीपली तक रिपोर्टिंग की। तो ये चीज़ अब लोगों को समझ में आ गया है कि भैया प्रकृति और पर्यावरण जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं एक बात जरूर ये कहते हैं कि जल जीवन हरियाली, उनका जो संदेश पहले जो लोगों ने नहीं समझा होगा अब ये जो है बात उनको समझ में आ गई है, क्योंकि पर्यावरण जो है प्रकृति जो है जीवन के लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। आप विकास के साथ उतनी तेजी से ना चले मगर पर्यावरण और प्रकृति को बचाते उसको साथ चले। चलिए एक और पत्रकार रमन जी आ गए। रमन जी काहे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सब पत्रकार लोग यहीं पर अड्डा जमाए हुए हैं लॉकडाउन में, क्या बात है जी? देखिए पटना में अगर बात की जाए पत्रकारों की, खास करके युवा पत्रकारों की, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और हमारा जो एक तरीके से मान लीजिए आशियाना है तो यही राजद कार्यालय और यही जो बीजेपी कार्यालय वाला वीरचंद पटेल है यहीं पर तमाम पत्रकार हम लोग बैठते हैं, क्योंकि बिहार में जो युवा पत्रकार पीढ़ी है उनको सरकार की तरफ से ना कोई आर्थिक मदद है ना कोई उनके भविष्य को लेकर चिंता है। पत्रकारों की एक लॉबी बन चुकी है बिहार में, वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें तो, लेकिन लॉबी बनना ठीक है लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों को आने वाली पीढ़ी के पत्रकारों पर भी ध्यान देनी चाहिए, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो चाहे वो बिहार की सरकार हो, जिससे कि आगे पत्रकारिता जो है वो जिंदा रहना चाहिए। धीरे धीरे पत्रकारिता खत्म होते जा रही है बिहार में, खास करके बात करें तो, चाहे फाइनेंशियली तरीके से बात की जाए चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े शब्दों से बात की जाए। हाँ चलिए देखिए हाँ देख सकते हैं कि ये बरगद का पेड़ के नीचे लॉकडाउन में पत्रकारों का अड्डा बन गया है। अड्डा इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ हवाएं आते रहती हैं और सब कुछ ये मिड में पड़ता है, पॉलिटिकल जो भी गतिविधियाँ हालांकि लॉकडाउन में नहीं हो रही हैं, लेकिन इस बरगद ने सभी पत्रकारों को एक तरह से कह सकते हैं अपने आगोश में ले लिया है और हर दिन लॉकडाउन में ये बरगद का पेड़ सभी पत्रकारों के लिए मायने रखता है। रंजन जी आप भी पत्रकार हैं, क्या बात है आप भी यहाँ आते रहते हैं, कोई खास वजह क्या? सब देख रहे हैं कि जमघट लगा हुआ रहता है डेली, मैं भी आते रहता हूँ कभी कभी। सभी जो पत्रकार हैं वो यहीं बैठते हैं और बात कर ले जो तमाम पत्रकार हैं या सीनियर पत्रकार या जूनियर, तो तमाम लोग यहीं बैठते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से कोई भी पॉलिटिकल चीज़ होती है या पॉलिटिकल गतिविधियाँ होती है तो यहाँ से लोग तुरंत उठकर चले जाते हैं। ये है सनी भाई साहब, मास्क नहीं पहने, भूल गए क्या? आज चलिए मास्क नहीं पहने, पहनते हैं हर दिन लेकिन आज ये मास्क नहीं लगाए हुए। और ये देख सकते हैं कि नीरज भैया बोलेंगे नहीं, बोलते कम हैं लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप भी यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे, क्या बात है? बरगद के पेड़ के नीचे सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे गर्मी के दिनों में बहुत राहत मिलती है, साथ ही साथ देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ के नीचे लोग गर्मी के दिनों में बैठते हैं, बरगद का पेड़ हो पीपल का पेड़ हो, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो है कमी नहीं होता है जिस कारण से लोग धूप में आकर के आराम करते हैं। बरगद और पेड़ के नीचे बैठना बहुत ही गर्मी के दिनों में राहत मिलती है और शहर का एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे कोई भी लोग थके रहते हैं, पत्रकार हो चाहे जो लोग भी, यहाँ पे आकर के बैठते हैं और इससे राहत भी लेते हैं। चलिए राहत मिलती है, लॉकडाउन का वक्त है, जिन लोगों को काम करना है जैसे पत्रकारों को तो काम करना ही होता है, खबरें करनी होती है और ये लॉकडाउन की बिहार कोरोना की दूसरी लहर में ये जो बरगद का पेड़ जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि यहीं पर अड्डा बन गया है, पत्रकार लोग आते हैं और यहीं इसी पेड़ के छांव के तले बैठते हैं और अपना काम को अंजाम देते हैं। तस्वीरें वीरचंद पटेल मार्ग की, ये एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की तैयारी किसी मॉडल रोड के तौर पर
विकसित किया जाए। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का वक्त है, सड़कें पर जो आवाजाही है वो बेहद कम है। हाँ, और स्क्रीन में देखिए पीले रंग का आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वो है आरजेडी कार्यालय। और आरजेडी कार्यालय के पास में ही ये सबसे पुराना बरगद का पेड़ है। पूरे वीरचरण पटेल में बरगद के पेड़ और भी हैं, लेकिन वो सभी जो पेड़ हैं वो नए हैं। लेकिन ये जो पेड़ है, बताया जा रहा है कि ये 50-60 साल से ऊपर का पेड़ है और सबसे पुराना पेड़। और बरगद तो वैसे भी माना जाता है ऑक्सीजन, पीपल के बाद अगर कोई पौधे में सबसे ज़्यादा औषधीय गुण है तो वो बरगद के पेड़ में ही होता है। और काफ़ी ऑक्सीजन जो बरगद का पेड़ है वो देती है। आप देख सकते हैं ये आरजेडी कार्यालय है, और ये वीरचंद पटेल जो आगे जाकर इनकम टैक्स में मिलता है। तो दूसरी छोर पर ये देख सकते हैं कि फ्लाई ओवर है, जो कि हाल ही में इसी साल सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। और हरियाली की बात करें तो पूरे देखिए वीरचंद पटेल मार्ग की खासियत भी यही है कि यहाँ वैसे भी देखिए पेड़ों की संख्या पटना के आम सड़कों के मुकाबले वीरचंद पटेल मार्ग में पेड़ों की संख्या ज़्यादा है। आपको यहाँ पर हरियाली ज़्यादा दिखती है। एक और देखिए बरगद का पेड़ यहाँ पास में ही है, दो बरगदों के पेड़ के बीच में अड्डा हो चुका है लॉकडाउन इस लॉकडाउन में। और वैसे भी इस बार देखा गया है कि जल जीवन हरियाली के तहत वीरचंद पटेल मार्ग में हाल में भी सौंदर्यीकरण का काम जो है वो बखूबी से किया गया है। आप देख सकते हैं कि नए नए पौधे भी रोड के उस साइड जो है वो लगाए गए हैं। और आगे ही जहाँ पर स्क्रीन जा रहा है फ्लाईओवर के जस्ट पास में ही जेडीयू का कार्यालय आता है, और पीछे बीजेपी का कार्यालय। तीन बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों का अड्डा जो है वो वीरचंद पटेल मार्ग में ही है। हरियाली देखकर मन को सुकून मिलता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।